नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो गाइज, अभी शाम हो चुकी है और शाम के ना अभी 6:10 की देरी है। तो आज का जो ब्लॉग है वो अभी शाम से जो है स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है शरद पूर्णिमा। व्रत जो है कल करेंगे। अब हर चीज ही दो दो होने लग गई है, दो दो दिन पड़ती है। तो आज के दिन ना शरद में भगवान को रखते हैं, खीर भोग लगाते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा की भी खीर का भोग लगाते हैं। तो ये सब चीजें करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक का महीना होता है, कार्तिक का उसको नहाते हैं, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करते हैं, भगवान जी के मंदिर जाते हैं। तो वो सब चीजें भी जो है स्टार्ट हो गई है। कार्तिक स्नान भी आज से शुरू हो गया है, पूरा एक महीने तक। अब जो है जिनको भी कार्तिक स्नान करना है वो आज से शुरू कर सकते हैं। तो मैं अभी हाँ बिल्कुल मतलब तैयार, क्या हुआ, वही शाम के टाइम में फेस वगैरह वॉश करने के बाद यहाँ तैयारी में लग गई हूँ और बना रही हूँ शरद में भगवान के लगाने के लिए खीर। मतलब खीर का ही महत्व होता है, तो आज भगवान के हम खीर का बना करके भोग जो है लगाएंगे। तो तैयारी मैंने कर ली है, चलिए आपको भी बताती हूँ। और ये देखिए क्या हुआ भाई, मैं वीडियो बनाने अंदर क्या चली गई, मेरी तो खीर ही उफन गई। ये भैया ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर बन रही है खीर भोग लगाने के हिसाब से। और ये देखिए क्या कबाड़े हो गए हैं, फटाफट से जो है मैं इसको साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से पहले जो मेरा दूध फैला है उसको मैं साफ कर लेती हूँ। और अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाया करता है, क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह से कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ये होता है कि मैं ना भूल बड़ी जल्दी जाती हूँ, मतलब चीज़ें रख के, ख़ास तौर से दूध, दूध रख के मैं काफ़ी बार जो है भूल चुकी हूँ। और आज भी देखिए मैं भूल गई। और यहाँ पर ये वापस से मैंने कुछ डब्बे आज वापस से धोए हैं, तो देखिए सुखा रखे हैं। टेबल पे रख देना ना, ठीक है, लड्डू हेल्प करेगा पूरी पूरी। हाँ, तो आने के बाद मतलब छत से आने के बाद मैं लग गई हूँ काम पर, बन रही है मेरी खीर। और खीर को बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, अब तो पहले नहीं, आज और मुझे चाहिए। अच्छा, प्रभु को मैं दिख रही हूँ कैमरे में, तो बोल रहा है मम्मी आपका मुंह दिख रहा है, पैर नहीं दिख रहे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो फिर खीर के साथ तो यार आलू की सब्जी और पूरी सबसे बेस्ट लगती है। तो सब्जी आलू की बना ली है और पूरियां जो है मैं गर्मा गर्म तल लेती हूँ, फिर भगवान जी के भोग लगाएंगे। हाँ लड्डू, क्या हुआ? ओ लड्डू, क्या हुआ? हाथ अपने मुंह और बाल दिख रहे हैं। अच्छा, क्या दिख रहा है? हाथ, मुंह और बाल। हाँ। और तुमको भूख लग रही है? बहुत जोरों से भूख लग रही है। पहले तो मैं बेल के रख देती हूँ बहुत सारी पुड़िया, मतलब कम से भी कम 5-7, फिर उसके बाद तलती हूँ। और यहाँ पर जितनी भी सारी पुड़ियाँ हैं इनको भी मैं तल करके जो है रख दूंगी। आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पुड़ी, मज़े आ जाते हैं भाई। और साथ में हो खीर तो बात ही क्या हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी खीर जो है बिल्कुल बन करके तैयार है। इसमें कुछ मैंने केसर की पत्तियाँ भी जो है डाल दी हैं। मैं इस तरह से ना ऊपर से ही डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा ना ये डेकोरेट भी हो जाती है और अच्छी भी लगती है। यहाँ पर देखिए हमारी खीर, आलू की सब्जी, पूड़ी बन करके तैयार है। भगवान जी के भोग लगाएंगे। लगा दे भोग, लगा दे। चलो 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 चलो। तो अभी हम आ गए छत पर और हमारे ठाकुर जी हमने रख लिए हैं,
और सब पूजा करेंगे। शरद में जो बिठा लिए ठाकुर जी को, चंदा बाबा के भी मैं आपको अभी दर्शन कराती हूँ कि कैसे निकले। और ये देखिए चंद्रमा जो बादलों के पीछे छुपा हुआ है, कितने बादल ही बादल हो रहे हैं। ये देखिए कितने घनघोर बादल छा रहे हैं भाई। ये रहे चंद्रमा, ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहे हैं ये। तो भगवान के मैं यहाँ पर जला दूंगी दीपक, और वापस से ना मेरी माचिस जली नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से 2-3 बार जाकर के मैंने ट्राई करी, जब जाकर के दीपक जला है। और खीर का भी यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है, और चंद्रमा की रोशनी में स्पेशली बिठाया जाता है भगवान को। ये देखिए हमारे ठाकुर जी, और शरद पूर्णिमा के दिन वाइट कलर की पोशाक स्पेशली पहनाई जाती है, इसलिए वाइट पोशाक पहना दी है। और ये है खीर, भोग लगा दिया है भाई। तो यहाँ पर चंद्रमा को भी मैं दे दूंगी अर्घ, और आज मैंने व्रत नहीं करा है, व्रत मेरे कल है, क्योंकि 2-2 पूर्णिमा पड़ रही है। पर जो चंद्रमा को देख करके खाना खाते हैं वो आज के दिन ही जो है पूर्णिमा का व्रत कर लेंगे, क्योंकि के रात से ही पूर्णिमा स्टार्ट हो गई है और कल शाम तक ही वो रहेगी। वैसे भी आजकल हर तिथि में ही ऐसा होने लग गया है, हर चीज़ 2-2 होती है, और इस बार तो दिवाली भी 2-2 पड़ रही है। ये भृगु आ गया है भगवान जी के ढोक दे। अच्छा तू ढोक दे बेटा, मिष्टी देगी ढोक भगवान जी के। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्या कर रहे हैं भृगु? खीर का भोग लगा रहे हैं। अरे अरे बस, मिष्टी भी चंदा मामा के दर्शन करेगी। चंदा मामा के दर्शन कर ले। ये देखिए चंदा, बहुत बढ़िया चंदा, बढ़िया कर लिया मैंने। तो चंद्रमा की रोशनी में ठाकुर जी कितने अच्छे और प्यारे लग रहे हैं, और ना मैंने इनके जो बिंदी लगाई थी तो चावल भी लगाए थे, तो वो चावल इनकी आंख पे आ रहा है, तो मैं उसको हटा देती हूँ। और यहाँ पर मिष्टी और भृगु दोनों ही पीछे खड़े हैं, मैंने इनकी एक फ़ोटो भी क्लिक करी है यहाँ पर। तो चलिए फ़िलहाल अपने इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। और देखिए कितना प्यारा जो है चंद्रमा लग रहा है, बादलों से छुपा हुआ है पूरा। बाय बाय।